अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। जिंदगी में एक बात तो तय है कि जिंदगी में कुछ भी तय नहीं है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। आपकी यात्रा जितनी कठिन होगी आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे। मजबूत होने का मजा ही तभी है जब पूरी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहाँ कोई भी रिस्क नहीं है। हारे तब भी जीत आपकी है और जीते तब भी। चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो वो एक दिन आपको गैर महसूस करा ही देता है। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। अकेले ही गुजरती है ज़िंदगी। लोग तसल्लियाँ तो देते हैं पर साथ नहीं। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय होता है जहाँ हमारी मुलाकात खुद से होती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ में रहना जो आपकी कदर नहीं करते। अकेला व्यक्ति दुनिया से लड़ नहीं सकता पर अपनी कामयाबी से दुनिया को हिला ज़रूर सकता है। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। कोई साथ नहीं तो क्या हुआ, ये ज़िंदगी है। आज नहीं तो कल लोग तुम्हारा साथ पाने के लिए तरस जाएंगे। खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। सफलता पाने वाला हर व्यक्ति अकेलेपन के दौर से ही गुजर कर आया होता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ज़िंदगी में अकेलेपन से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए शांत माहौल बनाता है। ये अच्छा है कि आप अकेले रहें बजाय इसके कि आप किसी गलत संगत में हों। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं खोते सफल होने के रास्ते उन्हीं के लिए बंद नहीं होते। समझदारी से हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शन आपको कब सफलता तक पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति ठान लेता है तो उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। जो लम्हा ठोकर पहुंचाता है वो बुरा नहीं होता, क्योंकि बुरा लम्हा ही हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। अकेले खड़े होने का यह मतलब नहीं है कि आप अकेले हैं, इसका मतलब यह है कि आप बुरे वक्त में खुद को संभालने में पर्याप्त हैं। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाओ। उस बुरी चीज़ को अपने मन से खत्म करो जिसे आपको तकलीफ होती है। ज़रूरत पड़ने पे लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। बनावटी रिश्तों से ज़्यादा सुकून देता है अकेलापन। अकेले छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं।